चींटियाँ नॉर्मली तो काफी छोटी और प्यारी लगती हैं, पर क्या आपने कभी सोचा कि अगर हम इन्हीं छोटी और प्यारी चींटियों को माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो क्या ये फिर भी इतनी ही प्यारी लगेंगी। साथ ही लड़कियों की फेवरेट यानी लिपस्टिक के बारे में आपने कभी सोचा कि अगर हम इसे माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ये कैसी लगेगी? और लिपस्टिक के साथ साथ क्या आपने मक्खियों के बारे में सोचा कि वो कैसी लगेंगी अगर हम उन्हें माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखें? तो इन सब चीजों का माइक्रोस्कोपिक व्यू देखने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। सबसे पहले, सुबह सुबह घास के ऊपर चलने में तो सबको मजा आता है, पर क्या आपने कभी सोचा कि इसी घास को अगर हम माइक्रोस्कोप में देखें तो कैसी दिखेगी? देखो, जब हम ग्रास को माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो वो हमें कुछ इस तरह स्माइल करते हुए ही दिखती है, जो देखकर काफी अच्छी फीलिंग ही आती है। इसी वक्त आप इनकी ये खूबसूरत सी स्माइल देख लो तो आपका मूड भी शायद ठीक हो सकता है। अगर आपको इनकी स्माइल देखने को ना मिले तो आपको अपनी स्लीपर्स उतार कर ग्रास के ऊपर चलना चाहिए, जिससे आपका स्ट्रेस काफी हद तक कम हो सकता है, क्योंकि साइकोलॉजी के हिसाब से अगर आप बिना चप्पलों के ग्रास के ऊपर चलोगे तो आपका स्ट्रेस लेवल काफी ज्यादा कम होता है। आपने ग्रास को तो माइक्रोस्कोप में देख लिया, पर क्या आपने कभी सोचा कि आपको जो हर तरीके का टेस्ट फील कराती है वो ऊपर से देखने में तो काफी स्मूथ लगती है, पर वो माइक्रोस्कोप में देखने पर कैसी दिखेगी? तो पहले थोड़ा जूम करके देखें तो हमें कुछ ऐसे ऊपर की तरफ निकले हुए कांटे नजर आएंगे। फिर थोड़ा और जूम करने पर आपको अपनी टंग गहरे समुद्र में लगे प्लांट्स जैसी नजर आएगी, और ये जो कांटे जैसी चीज है यही आपके टेस्ट बर्ड्स हैं। यहाँ तक कि यही स्ट्रक्चर आपके टंग प्रिंट्स भी बनाते हैं, और सबकी टंग प्रिंट्स अलग अलग ही होती हैं। मतलब जैसे आपके फिंगर प्रिंट्स अलग अलग होते हैं, वैसे ही आपके टंग प्रिंट्स भी काफी ज्यादा यूनिक होते हैं। चलो अब थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं। देखो, आपने एग्स के शेल को तो देखा ही होगा, वो देखने में तो काफी सिंपल लगते हैं और इनका व्हाइट कलर इन्हें कमाल का अट्रैक्टिव लुक देता है, पर अंडे का छिलका माइक्रोस्कोप में देखने पर काफी कॉम्प्लेक्स और वियर्ड नजर आता है। जब छिलके को माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो ऐसा अजीब सा डिजाइन नजर आता है, भले ही ऊपर से देखने पर ये कितने ही सिंपल क्यों ना दिखते हो, पर इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू थोड़ा अजीब है। तो चलो अब थोड़ी छोटी चीजों पर बात करते हैं। छोटी से मेरा मतलब है छोटी छोटी एंट्स यानी चींटियां, जो अंटार्कटिका के अलावा पूरी दुनिया में मौजूद हैं। वैसे ही चींटियां नॉर्मली जितनी छोटी और इनोसेंट लगती हैं, वहीं पर माइक्रोस्कोप से इन्हें देखा जाता है तो ये बड़ी ही खतरनाक नजर आती हैं, जो आप अच्छे से इस माइक्रोस्कोपिक इमेज में देख सकते हो। मुझे तो ये किसी डरावने मॉन्स्टर से कम नहीं लग रही। वैसे चींटियों की अलग अलग 12,000 से भी ज्यादा स्पीशीज होती हैं, और ये डिफरेंस आप माइक्रोस्कोप में साफ साफ देख सकते हो, और इस चार्ट में भी। आपने छोटी और प्यारी चींटियों को भी माइक्रोस्कोप में देख लिया, पर क्या इनके बारे में सोचा है जो ज्यादातर आपके आसपास रहकर आपको इरिटेट करती हैं? हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हाउस फ्लाइज यानी मक्खियों की। ये भी काफी छोटी और प्यारी लगती हैं, पर ये काफी इरिटेटिंग भी होती हैं, और जब हम इन्हें माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखते हैं तो ये भी चींटियों की तरह बड़ी खतरनाक नजर आती हैं, जैसा कि आप इस इमेज में अच्छे से देख सकते हो। पता नहीं क्यों, पर मुझे ये मच्छरों से भी ज्यादा इरिटेटिंग लगती हैं। मच्छरों का नाम ले ही लिया है तो चलो मच्छरों के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। तो देखो, मच्छर सिर्फ माइक्रोस्कोप से देखने पर ही खतरनाक नहीं लगते, बल्कि वैसे भी खतरनाक होते हैं, क्योंकि इनकी वजह से काफी बीमारियां भी फैलती हैं, और जब हम इन्हें माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो काफी बारीकियां भी दिखाई देती हैं, जैसे जिस निडल जैसी स्ट्रक्चर से ये खून चूसते हैं वो नॉर्मल निडल की तरह ही होता है, पर इस निडल में काफी अलग अलग पार्ट्स भी होते हैं जिनसे ये ज्यादा से ज्यादा चूसते हैं खून। और आपने उनके पैरों पर कांटे जैसे स्ट्रक्चर्स भी निकले हुए देखे होंगे, और अभी तक मच्छरों की 3,000 से ज्यादा स्पीशीज को डिस्कवर कर लिया गया है, और डिफरेंस आप माइक्रोस्कोप में बड़े आराम से नोटिस कर सकते हो। आपने अलग अलग चीजों के माइक्रोस्कोपिक व्यू को तो देख लिया, बात करते हैं लड़कियों की फेवरेट चीज के बारे में यानी लिपस्टिक। वैसे तो ये लिपस्टिक लड़कियों को अट्रैक्टिव लुक देने का काम करती है, पर जब हम इसी अट्रैक्टिव लुक देने वाली लिपस्टिक को माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखते हैं तो ये उतनी ही डरावनी दिखाई देती है। हाँ, जैसे कि आप इस इमेज में अच्छे से देख सकते हो, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे किसी चुड़ैल के घर की दीवार है जिस पर सिर्फ खून ही खून बिखरा हुआ है।